कैसे आप सब लोग आए होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी आज की वीडियो में मैं शेयर करी मैं आपके साथ बहुत ही जबरदर से पिन मिल बंस की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस बन के रेडी होते हैं तो आए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं पिन मिल्स बन बनाने के लिए सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे और डो के लिए ले, ले लेंगे हाफ कप के जितना नीम गरम दूध यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए फिर ऐड करेंगे इसके अंदर टू टीस्पून यीस्ट और इसके साथ ही ऐड करेंगे वन टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर और ये चीजें ऐड करने के बाद इसको हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने से ये होगा कि शुगर यहाँ पे बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएगी वैसे भी हमने यहाँ पे पाउडर शुगर यूज की है तो पाउडर्ड शुगर नीम गरम दूध के अंदर बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको टेन मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और टेन मिनट्स के बाद जब यीस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए तो फिर इसके अंदर ड्राई इंग्रीडियंट्स ऐड कर लेंगे सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे टू कप्स के जितना ऑल पेपर फ्लावर ऐड कर लेंगे ऑयल पर्पल फ्लार हमेशा सिफ्ट करके ऐड करें तो यहाँ पे एक सिफ्टर में दो कप के जितना मैदा ऐड करके इसको मैं बहुत अच्छे से सिफ्ट कर लूँगी जब भी ऑयल पर्प फर यूज़ करें तो हमेशा सिफ्ट करके यूज़ करें आप चाहें तो इस स्टेज पर मैदा पहले से सिफ्ट करके भी रख सकती हैं अच्छे से मैदा सिफ्ट कर लेने के बाद इसको यीस्ट के मिक्सर के साथ रफली फोल्ड कर लेंगे अभी स्टेज पे दो को गूंदना स्टार्ट नहीं करना है जैसे स्टेज पे हमने सिर्फ़ इसको रफली फोल्ड कर लेना है रफली फोल्ड कर लेने के बाद इसके अंदर वन टीस्पून के जितना सॉल्ट ऐड कर लेंगे और इसे अकेन रफली फोल्ड कर लेंगे ताकि सॉल्ट जो ऐड किया है वो अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाए सॉल्ट हमेशा यीस्ट एक्टिवेट करने के बाद ऐड करें क्योंकि सॉल्ट यीस्ट को एक्टिवेट नहीं होने देता फिर यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर टू एंड हाफ़ टेबल स्पून का जितना ऑयल और ये ऐड करके इसको अगेन मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर आपने इसे इस तरह से मिक्स करना है कि दो बनना स्टार्ट हो और ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही डो बनना स्टार्ट हो तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा नीम गरम दूध ऐड करते जाए इसको अच्छे से स्मूथ डो की फॉर्म में गूंद लें डो आपकी जितनी स्मूथ होगी आपकी ब्रेड का टेक्सचर उतना ही ज्यादा जबरदस्त बन गए होगा अच्छे से स्मूथ डो गूंधने के बाद बोल के अंदर ऑयल एड करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लें और अच्छे से ग्रीस करने के बाद स्मूथ गूंदी हुई डो को इसके अंदर रख के यहाँ पर इसे क्लिंग रैप या फिर सिंपली प्लेट से कवर करके एटलीस्ट दो घंटे के लिए राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ दें इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव को एक मिनट प्री हीट करने के बाद उसके अंदर राइज होने के लिए छोड़ सकते हैं अब फिलिंग बनाने के लिए पैन में टू टू फोर टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद 300 हंड्रेड ग्राम्स का जितना चिकन मिन्स ऐड कर लेंगे और इसका कलर चेंज होते हैं इसके अंदर तो हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट वन टी स्पून रेड चिली पाउडर क्वार्टर टी स्पून हल्दी हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून के जितना धनिया पाउडर इसके साथ यहाँ पर इसके अंदर थ्री फोर टी स्पून की जितनी वाइट पेपर पाउडर वन टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे और सारे मसाले ऐड करके अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसके अंदर हाफ ग्लास के जितना पानी ऐड करके इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके कुक कर लेंगे फॉर एट मिनट्स एट मिनट्स के बाद जब इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो अगेन इसे एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पर इसे और छोटे छोटे चंक्स और पीसेस में कन्वर्ट करते ताकि बहुत ही फाइन कर हो और अब यहाँ पे इसके अंदर वन टेबल स्पून वन स्पून चिली सॉस और वन टेबल स्पून के, जितना के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद इस स्टेज पे यहाँ इसके अंदर एक बड़े साइज का फाइनली चॉप अनियन ऐड कर देंगे अनियंस ऐड करने के बाद इसे टू टू थ्री मिनट्स के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे यहाँ पर आप दूसरी वेजिटेबल्स लाइक फाइनली चॉप कैप्सिकम ऑलिव और मशरूम्स भी ऐड कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स करके कुक करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर टू टू फोर टेबल स्पून पिज्जा सॉस और हाफ कप के जितनी टोमेटो कैचअप ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे आफ्टर टू आवर्स यहाँ पे हमारी डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करने के बाद यहाँ पे डो को बेलना स्टार्ट कर देंगे पहले मैं यहाँ पे दो को सिर्फ एक इरेगुलर सी शेप में बेल बेलूंगी फिर यहाँ पे इसका एक स्क्वायर बनाने के लिए इसको फोल्ड कर लेंगे अगर आप एज अटे से इसका अच्छा सा स्क्वायर बना सकती हैं तो दैट्स वेल एंड गुड अदरवाइज अगर आपसे अच्छा स्क्वायर नहीं बन रहा तो आप इस तरह से फोल्ड करने के बाद जिस तरह से एक स्क्वायर पराठा बना के रेडी करते हैं इस तरह से इसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दोबारा इसको अच्छे से स्क्वायर फॉर्म में बेल लें यहाँ पर बेलने के बाद आपकी जो एग्जैक्ट स्क्र फॉर्म में होनी चाहिए इससे पिन विल्स बन बहुत ही जबरदस्त बनग्रेडी होंगे अच्छे से इक्वल एक बेल लेने के बाद यहाँ पर चिकन की फिलिंग इसके ऊपर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे चिकन की फिलिंग इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से इक्वल और लेवल फॉर्म के अंदर स्प्रेड कर लेंगे बहुत ही ज्यादा कहीं से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल चिकन फिलिंग ऐड करने के बाद एज इट इज लेवल होना चाहिए तो सारा चिकन ऐड करके इसको अच्छे से लेवल कर लेंगे अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद विद द हेल्प ऑफ पिज्ज़ा कटर या फिर शार्प नाइफ़ के साथ इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट करना स्टार्ट कर देंगे इसे सारी स्ट्रिप्स को इक्वल साइज के अंदर प्रॉपरली कट कर लेंगे और अच्छे से प्रॉपर्ली कट कर लेने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर मोजरेला चीज़ ऐड कर लेंगे आप यहाँ पे मोजरेला चीज़ की जगह चेडर चीज या फिर पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं मैं यहाँ पे जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो मोजरेला चीज़ है अच्छे से चीज़ ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे वन बाय वन स्ट्रिप को रोल करना स्टार्ट कर देंगे बहुत ही ध्यान से हाथ रख के आपने इसको रोल अप करना है क्योंकि यहाँ पे फिलिंग और चीज़ दोनों बाहर निकल सकते हैं तो बहुत ही ध्यान से हल्के हाथों के साथ आप इसे ईज़िली रोल कर लें और ईज़िली रोल करने के बाद यहाँ पर आप इसे बेकिंग डिश में रखते जाएँ यहाँ पर पे फर्स्ट पिन व्हील बन बन कर रेडी हो चुका है तो इसी तरह से मैं बाकी सारे पिन व्हील बन को भी अच्छे से रोल कर लूँगी अच्छे से रोल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ये टाइटली रोल अप होने चाहिए और हाथ रख के इसको इस तरह इस से रोल अप करें ताकि सारे पिन व्हील बंस अच्छे से फोल्ड हो जाएँ फिलिंग जो है वो बाहर नहीं गिरे यहाँ आप पे आपको फील हो कि यहाँ पे हमारी जो डो है वो अच्छे से कट नहीं हुई तो विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ़ या फिर पिज्ज़ा कटर तो आप इसे अच्छे से कट कर लें इस तरह से अच्छे से सारे रोल को रोल कर लें यहाँ पे ये रोल तो ऐसा बड़ा बन के रेडी हुआ था इस तरह से अगर आपके पास भी बड़ा रोल बन के रेडी हो तो इसको विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ़ दरमान से कट कर दें आई रोल्स बना के रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे दूध अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे इसका कलर बहुत अच्छे से इनहेंस होगा आप चाहें तो दूध की जगह यहाँ पे बटर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती तो यहाँ पे आप अंडे को स्किप कर सकती हैं अब यहाँ पे इसे बेक कर लेंगे एट वन एटी डिग्रीज टेम्परेचर फॉर अबाउट ट्वेंटी मिनट्स मिनट ट्वेंटी टू ट्वेंटी मिनट्स के अंदर हमारे ये पेनवेल बंस बहुत ही जबरदस्त अच्छे से बेक होकर रेडी हो जाएंगे अच्छे से बेक कर लेने के बाद इसे काउंटर टॉप टॉपे थोड़ी देर हो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा कर लेने के बाद इसको उतारना बहुत हीजी होता है अगर आप गर्म गर्म उतारने की कोशिश करेंगे तो ये खुल भी सकते हैं ये पिन व्हील बंस बहुत ही जबरदस्त और डिलीशियस बन के रहती होती है और बच्चों के लंच बॉक्स या हाई टी पार्टीज के लिए ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा फिर मिलूंगी आपके साथ किसी बहुत ही अच्छी और जबरदस्त वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड एन अलाफिस